If selling price of article is 32% more than its cost price and discount offered on its mark price is 12%, then what is ratio of cost price and mark price? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। 32% पहले निकाल लेते हैं क्या होता है। 216 जा 250 जा 28 जा 225 जा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ये दिया गया है। सेलिंग प्राइस क्या है, 32% मोर देन कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस पहले 25 था और फिर कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा ये 33। और फिर क्या बताया गया है, फिर क्या बोला गया है कि मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट ऑफर्ड किया गया है ना। तो मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट ऑफर्ड किया गया, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें मिल जाएगा। 12% को क्या लिख देंगे, 26 हो जाएगा, 250 जा 3 25 जा, है ना। तो डिस्काउंट ऑफर किया गया मार्क प्राइस पे, मतलब मार्क प्राइस पहले 25 था, 3 का डिस्काउंट हुआ तो कितना हो जाएगा 22। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। देखिए अब इसमें एक बात तो फिक्स रहेगी कि सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, तो सेलिंग प्राइस सेम यहाँ पे तो है नहीं। सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको 3 से, तो कितना हो जाएगा, सी पी अपॉन एस पी का रेशियो कितना आ जाएगा, 50/66। और यहाँ से एस पी अपॉन एम आर पी का रेशियो कितना आ जाएगा, एस पी कितना हो जाएगा 66 और एम आर पी हो जाएगा 75। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो सी पी एस पी एम आर पी का रेशियो कितना आ जाएगा, 50/66/75। पूछा क्या गया, कॉस्ट प्राइस और एम आर पी का रेशियो कितना है, 50/75। कितना हो जाएगा, 25 2 25 3। तो 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।